हाय एवरीवन दिस इज वोने आज का टॉपिक हमारा गोवा पे है कि गोवा में इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम जो है वो शुरू हुआ है इसके बारे में, में डिटेल में जानेंगे कि ये अल्कोहल म्यूज़ियम क्या है आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या वी कैन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए आप सब लोग गोवा इंडिया का एक बहुत ही फेवरेट वेकेशन uh, डेस्टिनेशन है हर कोई यहाँ जाना चाहता है बहुत से लोग गए भी होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ राइट यूजुअली फ्रेंड्स के साथ ही सब गोवा में मस्ती करने के लिए जाना चाहते हैं विद द बीच एंड अल्कोहल यूजुअली एंड गोवा अगर आप देखेंगे वहाँ का एक लोकली ब्रूड ड्रिंक है जिसको फैनी बोलते हैं है इसको एक गिफ्ट मिला है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एल्कोहल म्यूजियम विच इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट एल्कोहल अ फैनी जो ड्रिंक है इसका ओरिजिन आप कह लें गोवा में ही हुआ है तो गिफ्ट इसके लिए ये है कि इसकी हिस्ट्री को लेकर पूरा एक म्यूज़ियम जो है वो गोवा में बनाया गया है और वहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी आप अल्कोहल के बारे में जानना चाहते हैं कहाँ से शुरू हुआ गोवा में स्पेशली किस तरह का कल्चर रहा पहले लोग किस तरह के ग्लासेस यूज़ करते थे जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है ऑल अबाउट अल्कोहल आपको एक ही जगह वहाँ पे जानने को मिलेगा डेफिनेटली गोवा जैसी डेस्टिनेशन पर लोग टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं इन्जॉय करने के लिए जाते हैं बीच लाइफ देखने के लिए जाते हैं उसके साथ अगर आपको हिस्ट्री का भी कुछ मालूम हो जाए उस जगह की हेरिटेज के बारे में कल्चर के बारे में तो ये बहुत अच्छा है डेफ़िनेटली वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें देखनी चाहिए अब गोवा जस्ट नॉट जस्ट गॉट एन एल्कोहल म्यूज़ियम ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे डेडिकेटेड टू फेनी स्पेशली ये जो अल्कोहल म्यूज़ियम है ये फ़ैनी को डेडिकेट किया गया है जो वहाँ की लोकली ब्रूड ड्रिंक है अब ये किसने शुरू किया है एक लोकल बिजनेसमैन है नंदन कुचकार हु इज कलेक्टर ऑफ एंटीक्स एंटीक्स यानी वो व्यक्ति जिसको कलेक्शन ऑफ एंटीक्स जिसको पुरानी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक हो तो उनको पुराने एंटीक आइटम्स उन्होंने बहुत ज्यादा कलेक्ट करके रखे हैं तो उन्होंने ये म्यूजियम ओपन किया है एक टाइनी बीच विलेज में कैंडोलिम में यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो फेनी से रिलेटेड हैं जिसमें लार्ज ट्रेडिशनल ग्लासेस जिसमें कभी फ़नी पी जाती होगी आ, या फिर लोकली कैशुट बेस्ड अल्कोहल जो है स्टोर की जाती होगी वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हैं अब जो फ़ैनी है ये नट से बनती है जो काजू रहता है उससे ये अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूज़ियम को शुरू करने के पीछे मकसद क्या है यही कि लोगों को गोवा के रिच हेरिटेज के बारे में बताना इस्पेशली फ़ैनी की क्या स्टोरी है उसकी क्या लिगेसी है किस तरह से ब्राज़ील से लेकर गोवा तक ये इतनी फेमस है और यहाँ पे लोग जो भी गोवा जाते हैं स्पेशली इसको टेस्ट जरूर करते हैं तो इसकी लिगेसी के बारे में वो लोगों को बताना चाहते हैं अपनी जो इनकी कलेक्शन है आर्टिफैक्ट्स के थ्रू जिनका बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है एक वन ऑफ द काइंड म्यूजियम है इस तरह का पहला कोई म्यूजियम नहीं था कैंडोलिम में जो भी विजिटर्स यहाँ पे जाएंगे गोवा में इनफैक्ट वो गोवा के रिच हेरिटेज और कल्चर को इस म्यूज़ियम से समझ सकते हैं देखिए गोवा को एक समय में आ, पुराने समय में रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता था ओके और ये म्यूज़ियम उस हेरिटेज को आपको दिखाएगा वो हेरिटेज इसने प्रिजर्व करके रखी है एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग वे में और डेफ़िनेटली यहाँ पे जितने भी अल्कोहल प्रोड्यूसिंग पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो भी बर्तन हो गए ग्लासेस हो गए बॉटल्स हो गए वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गोवा की हिस्ट्री का एज अ पार्ट ऑफ गोवाज हिस्ट्री अब देखिए दो पॉपुलर टाइप की फ़ैनी है जो भी लोग लो गोवा जाएंगे वो फैनी को टेस्ट करेंगे फैनी दो तरह की होती है यूजली सबको कैश्यू वाली जो काजू से बनी हुई फैनी है उसके बारे में पता रहता है दूसरी है आपकी कोकोनट कोकोनट फैनी इनफैक्ट कैश्यू फैनी से पुरानी है अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कोकोनट फैनी इज़ ओल्डर देन योर कैशो फैनी अगर ओरिजिनली जो लोकल्स थे वो फैनी को कोकोनट से बनाते थे जो कि गोवा में बहुत ही अबंडें में अवेलेबल था लेकिन बाद में कैशियो ट्री जो है काजू का जो पेड़ हो गया उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया किसने इंट्रोड्यूस किया पोर्टुगीज़ ने जो पोर्टुगीज़ एज अ कॉलोनिस्ट उस टाइम इंडिया में आए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो कैशियोनट जो है वो एक नया सोर्स बन गया लिकर का अल्कोहल का अल्कोहल कंटेंट अगर आप फैनी का देखेंगे तो 43 से 45 परसेंट है जो इस ड्रिंक को बहुत ही स्ट्रोंग और इसका बहुत ही स्ट्रोंग स्मेल रहता है अरोमा रहता है उसी के लिए ये बहुत फेमस है कि इसको जितना अच्छा उसका अरोमा होगा उसकी खुशबू होगी स्मेल होगी फैनी की वो उतने ही आराम से केयरफुली क्राफ्टेड तरीके से तैयार की गई है अब फ़ैनी की स्ट्रेंथ की कितनी स्ट्रांग है तो यूजुअली ट्रेडिशनल तरीके से लोग कैसे देखते थे कि ग्लास में जब फैनी को पोर किया जाता था तो जितने बबल्स आएंगे बबल्स का साइज़ देख के पता लगता था कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अब जो डिस्टलर डिस्टलर्स हैं यूजली जो अल्कोहल को टेस्ट करते हैं लोग वो अल्कोहल मीटर्स से या सिप लेके उसकी क्वालिटी को बताते हैं कि क्वालिटी में ये फैनी कितनी अच्छी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे कैशोनट प्लांट जो है वो फर्स्ट ऐसा माना जाता है इंपोर्ट किया गया गोवा में कलोनील रूलर्स जो पोर्टुगीज़ थे उस टाइम पे सेवेंटीन हंड्रेड्स के आसपास कहाँ से ब्राज़ील से वो ये लेके आए अब बहुत ब्राज़ील और गोवा जो है वो कॉमन लूसोफोनियन कलोनियल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे लूसोफोनियन Lucophonian यानी लूसोफोन उन लोगों को कहा जाता है जो पॉर्टगीज़ बोलते हैं तो ये इन्फ्लुएंस आपको गोवा के कल्चर में देखने में मिलेगा और ये प्लांट कैशोनट का जो प्लांट है इसको जब इंडिया में लाया गया शोर ऑफ़ गोवा में लाया गया तो ये यहीं पे आप कह लीजिए एक रूट बन गया कैशू एज टेकन द रूट इन गोवा यहीं बस गया और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन जो है कैशू की यहाँ पे शुरू हो गई और फिर आपकी फैनी का ओरिजिन पहले कोकोनट फैनी थी तो कैशू फैनी का ओरिजिन भी वहीं से हुआ अब ये बनती कैसे देखिए कैशू फैनी जो है इसको डिस्टिल किया जाता है फ्रॉम फर्मेंटेड जूस पहले जूस आप एक्सट्रैक्ट करते हैं कैशू एप्पल से फिर उसको डिस्टिल किया जाता है और फिर आपकी ये गोवा की पॉपुलर अल्कोहलिक बेवरेज फैनी तैयार होती है जो कैशू एप्पल्स हैं इनको प्रॉपर्ली हार्वेस्ट किया जाता है जो ऑर्किड्स हैं फार्मर्स जहाँ पे इसको ग्रो करते हैं और गवर्नमेंट से हमेशा ये जो लीज पे ट्रैक्ट्स को लेते हैं हर सीज़न ये जो जूस है इन एप्पल से कैशू एप्पल्स की मैं बात कर रही हूँ इनको फर्मेंटेशन इनकी की जाती है डिस्टिलेशन की जाती है ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज करके अगर इसको एक बार डिस्टिल करेंगे तो ये जो फर्मेंटेड जूस है ये एक बहुत ही पॉपुलर एक माइल्ड इंटॉक्सिकेटिंग समर ड्रिंक है जिसको उर्राक बोलते हैं एक बार डिस्टिलेशन पे आपका उर्राक बनेगा लेकिन जब इसको डबल दो बार डिस्टिलेशन की जाएगी तो इस ड्रिंक को आप हम बोलते हैं फैनी फ़ैनी को और भी फिर फ्लेवर्स आते हैं अलग अलग चीज़ों से ब्लेंड किया जाता है क्लोव के साथ ब्लेंड करेंगे पेपर के साथ नट मैग सिनेमन यानी इलायची हो गया लौंग हो गया ये सब स्पाइसेस के साथ मिक्स करके इसको फ्लेवर्स जो हैं दी जाती हैं मसाला फ़ैनी कहा जाता है वेरिएशन के लिए कि किसी को कुछ भी पसंद आ सकती है और सिमिलर प्रोसेस जो है कोकोनट फैमी के लिए भी यूज़ किया जाता है इसी तरीके से कोकोनट फनी जो है वो भी बनाई जाती है तो कैशु फैनी हमारे देश की पहली इंडिजीनियस लिकर है जो यहाँ पे इंडिया में तैयार की गई इसको ज्योग्रफ़िकल इंडिकेशन टैग भी मिला एक प्रोसेस वॉज इनिशिएटेड बाय लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो लोकली लोग इसको बनाते थे उन्होंने एक प्रोसेस टू में शुरू किया था कि इसको जी टैग जो है वो मिले और ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजीनियस लिकर है जिसको जोग्रफ़िकल इंडिकेशन टैग दिया गया फ़ैनी को देखिए, फेनी अगर आप देखेंगे ये एक ड्रिंक है अदरवाइज देखिए अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है जो लोग हैवी ड्रिंकर्स होते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बट डेफिनेटली एक नॉर्मल क्वांटिटी में अगर कभी कोई लेता है दैट इज़ फाइन अल्कोहल के मेडिसिनल पर्पसेस भी हैं अब फैनी की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉमनली सोशली इसको कंज्यूम किया जाता है जो लोकल रेजिडेंट्स हैं इसको कोस्टल स्टेट में इसको यूजुअली पीते हैं स्टेट हेरिटेज ड्रिंक इसको गोवा गवर्नमेंट बोलती है और इसको नोटिफाई भी किया गया था टू में ताकि मैनुफेक्चर जो हैं उनको ग्लोबल इसको एक्सपोर्ट करने में जैसे स्कॉच और टकीला का एक इम्पॉर्टेंस uh, है तो फ़ैनी को भी वो इम्पोर्टेंस मिले तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने गोवा गवर्नमेंट ने एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था फ़ैनी को हेरिटेज स्पिरिट बनाने का तो जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल या फ़ैनी के मेडिसिनल यूजेस भी रहते हैं यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फ़ैनी की बात करेंगे अब ये नहीं है कि इसके मेडिसिनल यूजेस हैं तो बहुत सारा कोई पी ले नो no. दैट इज़ नेवर रिकमेंडेड अब मेडिसिनल यूज़ की अगर बात करें इफ़ टेकन इन राइट क्वान्टिटी तो ये खांसी दूर करने के लिए ज़ुकाम दूर करने के काम आती है किसी को दांत की कोई प्रॉब्लम है उसमें यूज़ किया जा सकता है गम इशूज़ स्वेलिंग माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं उसको भी क्योर करती है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग वेट कम करना चाहते हैं फैट को भी रिड्यूज़ करती है अगर आप इसको खाने के साथ डिशेज के साथ बाकी डिशेज के साथ खाते हैं बॉडी uh, को वार्म रखती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्लीन करती है और कॉन्स्टिपेशन दूर करने में मदद करती है स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी तभी इसको फैनी भी कहा जाता है जो कि अगर किसी को कोई घाव हो गया कट्स लग गए उसको ठीक करने में हेल्प करेगी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करेगी बाउल मूवमेंट आपका ठीक रहे स्टमक रिलेटेड उसमें हेल्प करेगी अगेन आई एम सेइंग मेडिसिनल यूजेस हैं बट उसका ये मतलब नहीं कि कोई बहुत सारी फैनी पी रहा है बोल रहा है कि मैडम ने तो वीडियो में कहा था इसकी मेडिसिनल वैल्यू है डेफिनेटली यू शुड टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं बट ऑलवेज इन राइट क्वान्टिटी बिकॉज दीज आर द इन ड्रिंक्स अब यहाँ पे सवाल आपके लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज़ कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल beverage बेवरेज कैन बी by using यूजिंग मेज तो आप बताइए सही आंसर क्या है कॉमेंट सेक्शन में बाकी टेलीग्राम पे इसका आंसर अपडेट कर दिया जाएगा पोल में जरूर पार्टिसिपेट करें टेलीग्राम ग्रुप पे बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए ई एम आई पे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं नीचे जो नंबर दिए उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच